जानते हैं सर्दियां मेरा फेवरेट सीजन है। क्यों? क्योंकि सर्दियां आते ही आ जाती हैं ढेर सारी ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां। अब इन हरी सब्जियों को कैसे रोज इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाए, कैसे इनसे कुछ रोज नया डिलिशियस बनाया जाए, बस मैं तो इसी कोशिश में लगी रहती हूँ। आप भी ना? तो चलिए फिकर नॉट, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेहतरीन सी रेसिपी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, और ये है हरियाली कबाब। ऐसे कबाब गारंटेड जिसको खाने के बाद सब आपकी तारीफ में कहेंगे वाह वाह वाह। तो चलिए बनाते हैं आज हरियाली कबाब। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए बनाते हैं हरियाली कबाब, और ये कबाब बनेंगे आज मटर के साथ, पालक के साथ और साथ ही साथ हरी धनिया के साथ। तो आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, पालक की पत्तियाँ तोड़ ले रही हूँ। पालक को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, 5 से 6 बार मैं इसे पानी से अच्छे से धो चुकी हूँ ताकि इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी या मिट्टी ना रह जाए। तो इसकी पत्तियाँ ले लूँगी, और ये जो डंडियाँ हैं ये डंडियाँ मुझे नहीं चाहिए तो डंडियाँ मैं हटा दूँगी। तो ये एक गुच्छा मैंने ले लिया है पालक का, और यहाँ है मेरे पास हरी मटर जिसे मैंने छील करके रख लिया है और पानी से धो भी लिया है। अब पहला काम मैं ये करूँगी कि मैं पालक और मटर इन दोनों को ब्लांच करके निकाल लूंगी ताकि ये थोड़ी सी पक जाए। तो थोड़ा सा पानी ले रहे हैं हम एक पैन में, तो जैसे ही पानी बॉइलिंग पे आ जाएगा हम इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक, और अब ऐड करेंगे इसमें ये मटर के दाने और इसी के साथ साथ ये पालक की पत्तियां भी। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम ये पालक की पत्तियों को और उसी के साथ साथ मटर को ब्लांच कर लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट में ये मटर अच्छे से गल जाएगी और पालक की पत्तियाँ ये भी वेल्ट हो जाएंगी। तो अब क्या किया जाए, अब गैस को करते हैं हम बंद और इसे छान लेते हैं और ठंडे पानी से धो लेते हैं। तो एक बड़े से बोल में मैंने ले लिया है यहाँ पर एक स्ट्रेनर, स्ट्रेनर से कर लेती हूँ इसको स्ट्रेन, और फिर ठंडे पानी से इसे मैं वॉश कर लूँगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका ये जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए और आपका जो पालक है और आपकी मटर जो है वो हरी बनी रहे। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब ये पालक और मटर हो चुकी है अच्छे से ठंडी, अब इसे पीस लेती हूँ मैं हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ अपने इजी टू क्लीन बजाज स्प्लेंडोरा मिक्सर ग्राइंडर में, विच हैज एन एंटी स्टेन, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल कोटिंग ऑन एमजी बॉडी। तो ये पालक इसे स्क्वीज कर लीजिए ताकि इसका जितना एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो ये ले ली मैंने अपनी मटर और उसी के साथ पालक भी, और अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये 4 हरी मिर्च, इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 5 से 6 कली लहसुन की भी, इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें मैं धनिया की पत्ती भी। अब धनिया को आप चाहें तो कोसली चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो धनिया की जड़ को मैं काट करके निकाल दे रही हूं, और इसकी स्टेम्स को भी मैं कट कर लूंगी। जानते हैं ये स्टेम्स जब पकेंगी ना दे आर गोइंग टू गिव इट अ ब्यूटीफुल फ्लेवर। तो कोर्सली मैंने मोटा मोटा सा इनको चॉप कर लिया है, और अब इन्हें ले लेती हूं मैं वापस अपने मिक्सर ग्राइंडर में, और अब इसे ग्राइंड कर लिया जाए। तो ये देखिए मटर, पालक, धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बढ़िया सा हो गया रेडी। अब इसे पहले एक बोल में निकाल लेते हैं। तो दिस डन, अब इसमें मैं थोड़ा सा मैश्ड बॉइल्ड पोटैटो ऐड करूंगी।
मेरा सजेशन ये है कि अगर आप उबले हुए आलू को ग्रेट करके इसमें मिलाएंगे ना, तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा और उसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे, यानी कि गुटके नहीं आएंगे। तो चलिए पहले आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो एक ग्रेटर के ये छोटे वाले आइस के साथ मैं अपने आलू को ग्रेट कर ले रही हूं। ये फाइन मैश मेरे पास इसका आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, दिस विल गिव अ लिटिल बॉडी टू आवर कबाब पेस्ट। अब एक छोटा सा अंदाज आपको बताती हूं कि कितना आलू हमें ऐड करना चाहिए। तो जितना मेरे पास ये हरा पेस्ट है ना, इसका एक तिहाई मैं आलू ऐड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है यहाँ पर एक कप हरा पेस्ट, तो एक तिहाई कप आलू जाएगा इसमें, ज्यादा नहीं, नहीं तो आलू का एक बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए, तकरीबन एक तिहाई मेरे पास है यहाँ पर आलू। अब इसमें ऐड करूंगी मैं तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। अगर इसमें मॉइस्चर ज्यादा है तो हमें हो सकता है थोड़ा ब्रेड क्रम्स ज्यादा ऐड करना पड़े उस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने के लिए। और इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी, ये टिक्की को बाइंड करने के लिए। कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, गरम मसाला पाउडर, नमक जो आप डालिएगा अपने स्वाद के अनुसार, इसी के साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी, और थोड़ा सा ड्राई मैंगो यानी कि खट्टाई पाउडर। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इन सब को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक डो बना लेते हैं। सो वंस दिस मिक्सचर इज रेडी, मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार इसे टेस्ट कर लीजिए कि इसमें नमक मिर्च सही है कि नहीं। अगर नमक कम लगे तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो अब अपने हाथ को कर लेती हूं मैं थोड़ा सा ग्रीस तेल के साथ और इसके कबाब शेप कर लेती हूं। और हर कबाब पे मैं लगा दूंगी एक काजू टू गार्निश दिस। तो चलिए ऐसे और कबाब्स प्रिपेयर कर लिए जाएं। अब सब कहते हैं भाई ढेर सारी हरी वेजिटेबल्स खाओ, लेकिन क्यों खाओ? क्योंकि इनमें होते हैं ढेर सारे विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन B1, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन के, ढेर सारा आयरन, ढेर सारा फाइबर और कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं, यानी कि बहुत ही कम कैलोरीज और ढेर सारे बेनिफिट्स। इसीलिए हरी सब्जियां खाने के लिए हम कहते रहते हैं आपसे, बच्चों को भी यही समझाते हैं। सारे कबाब्स मैंने शेप कर लिए हैं और अब इन पे लगा देती हूँ मैं ये काजू, जस्ट टू गार्निश देम। और अब इन कबाब को हम सेक लेते हैं तवे पे या आप चाहें तो ग्रिल में। पहले अपने तवे पे ले रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और अब प्लेस कर दूंगी इस पे अपने कबाब्स। तो चलिए जब तक ये कबाब सिकते हैं ना, तब तक इसके साथ सर्व करने के लिए एक बढ़िया सी हरी चटनी भी बना ली जाए। तो यहाँ पर मेरे पास है एक गुच्छा हरी धनिया का, जिसमें ऐड करूंगी अब मैं तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्च। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा लहसुन, 5 से 6 कली लहसुन की, और एक टुकड़ा अदरक का भी। इसी के साथ 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी मैं इसमें लेमन जूस, और ऐड करूंगी इसमें नमक, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और ऐड करने जा रही हूं इसमें मैं थोड़ी सी दही, जी हाँ 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट टू ग्राइंड माय चटनी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ले लेती हूं मैं अपने चटनी जार में और इसे ग्राइंड करके इसकी चटनी पीस लेते हैं। तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई, लेट अस सेट दिस असाइड और अब अपने कबाब्स को टर्न कर लिया जाए। जब ये नीचे से हो जाएंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, इन्हें आप फ्लिप कर दीजिए केयरफुली, काफी सॉफ्ट है ना आपके कबाब्स, इसलिए जब ये दूसरी साइड से भी हल्का सा गोल्डन कलर ले लेंगे, इन्हें भी हम टर्न कर देते हैं।
इन्हें रिमूव कर लेते हैं अपनी प्लेट पर और फिर सेकेंड बैच ऐड कर देते हैं अपने तवे पर। तो फिर से ऐड करेंगे इस पे हम थोड़ा सा ऑयल और इनको भी अच्छे से सेक लेंगे। तो ये लीजिए, हो गए तैयार हमारे हरियाली कबाब हरे भरे से और उसके साथ एक बेहतरीन सी रेस्टो स्टाइल हरी चटनी भी। लेकिन इससे पहले कि मैं टेस्ट करके इनको आगे बढ़ूं, आप मुझे बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई, नहीं किया तो जल्दी कीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज के ये हरे भरे कबाब आपको कितने।